विस्तार ऐसी आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद सब्सिडी को ज्यादा पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम फैसला किया है उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का भुगतान उन्हें खुदरा विक्रेताओं को बेचे गए उर्वरक की रसीद दिखाने के बाद ही किया जाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है इसके तहत खुदरा डीलरों द्वारा उर्वरक खरीदने की सूचना आईसीटी आधारित तकनीक से होगी जिसमें यह सूचना